सब्सक्राइब कीजिए भारत योगा यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने हमारी बेली फैट यानी कि एब्डोमिनल फैट, पेट पर जमा चर्बी को कम करने की जो वीडियो थी उसको बहुत ही सराहा है और हमें अनेकानेक व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स मिले हैं। लेकिन उसमें से मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे हैं कि आचार्य जी कुछ ऐसा बताइए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं बताएं जिसमें हमें बहुत एफर्ट्स ना करना पड़े। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ दो ऐसी आसान सी क्रियाएँ उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा शरीर नहीं हिला सकते, जो बहुत ज़्यादा कसरत नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, भाग दौड़ नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंडिंग भी नहीं कर सकते, या जिनको कमर में, घुटने में, टखने में दर्द की समस्या है लेकिन फिर भी वो ये चाहते हैं कि उनकी पेट की चर्बी कम हो जाए, उनका एब्डोमिनल फैट कम हो जाए, उनके एब्स बन जाएं। तो इन दो क्रियाओं को देखिए और इनका नियमित अभ्यास कीजिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि नियमित अभ्यास करने से ही आपको इसका फल यानी इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन साथ में दो तीन चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भोजन च से शुरू हो उसका सेवन बंद कर दीजिए, यानी कि चाय, चीनी, चटनी, चिकनाई, चाट, यानी उसको अपनी डाइट से आप हटाएं। साथ में पानी खूब पिएं। हमारा कार्यक्रम ज़रूर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम। कपालभाति। कपालभाति के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठें। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठें, जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो ज़मीन पर बैठ ही नहीं सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, टेक एक्सहेलेशन के साथ पेट को अंदर संकुचित करना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। पूरा ध्यान पेट की मूवमेंट पर टिका रहे। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको 500 से 600 बार तक भी कर सकते हैं। ऐसा करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी रीढ़, आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है वो आपके एब्डोमेन पर यानी आपके पेट पर टिका रहेगा। और फिर पूरा एक्सहेल कर देना, शरीर को ढीला छोड़ दें। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए या तो आप वज्रासन में बैठ जाएं, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि अपनी हथेलियों को हमने अपने घुटनों के ऊपर टिका दिया है, पूरा वजन हाथों के माध्यम से अपने पैरों पर टिका करके पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। कंप्लीट एक्सहेलेशन यानी पूरे प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ दें, सांस बाहर ही छूटा रहे और पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना, जैसे आप कपड़ा झाड़ते हैं इस प्रकार से पेट को अंदर बाहर मूवमेंट देते चले जाएं जितनी बार आप दे सकते हैं एक एक्सहेल्ड पोजीशन में। और जब लगे कि मैं और देर सांस को बाहर नहीं रोक सकता हूँ तो फिर मूवमेंट को रोक देंगे, नाक से सांस भर लेंगे, शरीर को सीधा कर देंगे और पूरी तरह से रिलैक्सेशन यानी प्रयत्न शैथिल्यम। ये एक राउंड है और आप 5 से 6 राउंड इसके रिपीट कर सकते हैं। प्रत्येक राउंड में आपका जो पेट का मूवमेंट है उसके काउंट्स बढ़ते चले जाएं। अगर बढ़ रहे हैं तो आप इसे ठीक कर रहे हैं, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं यानी घट रहे हैं यानी कि आप अभ्यास ठीक नहीं कर रहे हैं।